हेलो एवरीबॉडी, आई एम जरक शाहजेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक क्रिएशन। फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्लास बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच किया, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है। ये ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर वहां से आपसे डाउनलोड नहीं होता या कोई मसला वगैरह आता है, आप मेरा भाई मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का आप ज्वाइन करें या डायरेक्टली भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिल भर नेम टाइप कर लिया। नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने कौन सा चूज़ ऑप्शन करना है? ए बी वाला। ए बी वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद सिंपली माय फॉन्ट में आना। ठीक है, माय फॉन्ट में यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फॉन्ट ऐड किए हैं। अगर आप लोगों को फॉन्ट ऐड करने का नहीं पता, यहाँ पर आप फॉन्ट ऐड नहीं कर सकते, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जिस जगह से आप PNG डाउनलोड करते हो, फॉन्ट डाउनलोड करते हो, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मैंने दिया। वो वीडियोज़ देख के बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पर फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई मसला वगैरह आए तो आप कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं मुझसे। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मुकम्मल A to Z गाइड करूंगा। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि शेप में आना है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है, कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करके अल्ट्रा में इसको रख के सेव टू गैलरी कर देना। अब आप लोगों ने आना है PS टच ऐप में। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं PS टच ऐप में आ चुका, प्लस पे आना है और फोटो लाइब्रेरी में आना है और गैलरी, अपनी गैलरी से पिक ऐड कर लेनी है। तो बाकी PS टच जो है ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा, वहाँ पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ्रेंड से डाउनलोड नहीं होता। ठीक है, ये मसला करता है, मतलब न्यू वर्जन करें तो वो हर सेल में वर्क नहीं करता, फिर ओल्ड वर्जन करना पड़ता है, वो भी करें तो वो भी नहीं करता। तो फिर इसका सलूशन ये है कि आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को ये वाला अपने वाला PSCC प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला ऐसा ऐप है, ये हर सेल में वर्क करेगा, चाहे किसी के पास नॉर्मल फ़ोन है या iPhone है। ठीक है, तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक हो गया, इतना होने के बाद आप लोगों ने करना क्या। तो बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो PS टच ऐप है ना, ये मतलब ये नहीं है कि किसी का महंगा फ़ोन होगा तो उसमें वर्क करेगा, किसी का लो प्राइस का होगा तो उसमें वर्क करेगा, नहीं। तो ये मतलब प्राइस मैटर नहीं करती, ये वर्जन का फ़र्क होता है। चाहे किसी के पास बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन हो तो वहाँ पर भी PS टच ना काम करने पर तो ये ऐप वर्क नहीं करता। अगर काम करने पर आ जाए तो बिल्कुल इन्फिनिक्स पर भी ये काम कर जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना है क्या, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है, बेसिक में और लाइटिंग में आ जाना। इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना है। तो अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है। तो अब आप लोगों ने सेकंड लेयर में आना है, FX में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। तो कल यार वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि जब मैं वीडियोज़ अपलोड ना करूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग परेशान वगैरह ना हो, क्योंकि मेरी डेली की बेस पे वीडियोज़ आती है। कल मेरे पास यार बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, मैंने आप लोगों को बताया था तबीयत मेरी ख़राब थी, कल फिर थोड़ी बहुत हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करना है, थर्ड लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 45 ब्लर करना है और जो डिस्टेंस है ये भी 45 कर लेनी है। बाकी जो फॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका लिंक आप लोग कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंगल 180, कलर वाइट। ठीक है, फिर FX में आना है और बेवल में आना है। एंगल कितना करना है 45 पे, फिर आप लोगों ने बेवल में आना है, फिर यहाँ पर कितना करना है 135 पे, फिर आप लोगों ने टू लाइन्स पे आना है। कर्व्स में आना है, कर्व्स की आप लोगों ने ये सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटन कर देना है। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है, ग्लो में आना है, ग्लो बहुत यार ज़रूरी होती है, 0.6 ब्लर और कलर सिंपली वाइट। ठीक है, यहाँ पे फिर ग्लो लगा दी। अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल में आना है, सिलेक्ट पिक्सल कर देना है, फिर पेंसिल में आना है, ट्रांसफार्म में आना है और एक्सपैंड पर क्लिक करके इसको फुल कर देना है। अच्छा, फुल करने के बाद प्लस पे आना है, एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक लेनी है, इसकी विथ 4 पे ही रहने देनी है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, इतना होने के बाद FX में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर आप लोगों ने कितना करना है 15 पे और जो डिस्टेंस ये कितनी करनी है 15 पे। पहला एंगल 180 करना है और जो दूसरा एंगल है ये कितना करना है, ये 45 पे करना है और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है, ये 135 पे आप लोगों ने कर लेना। फिर टू लाइन्स पे आना है, कर्व्स में आना, कर्व्स की ये सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है और इसको ऊपर कर देना है। FX में आना और इस पर एक दफ़ा शेडो लगा लेनी, यहाँ तक हो गया। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे करना आप लोगों ने क्या, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर देना है, इसको भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी पेंसिल पर आके सिलेक्ट पिक्सल कर लें, सारे को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये बेहतर रहेगा।
अब आप लोगों ने ये मार्की सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे ये देखें राइट जनम नेम इसका शोर है मार्की सिलेक्शन टूल, फिर मोड माइनस करें और ये तार सी बन के आ जाएगी। जितना भी ये आप उतारना चाहें आप यहाँ से पिक्सल से उतार सकते हैं। फिर आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पे आ जाना है एफ एक्स में फोटो मैंने, और सनी आफ्टरनून भी ले सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ना लेना चाहें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे आप सिंपली टू लाइन्स पे आएँ और कलर बैलेंस में आ जाएँ। कलर बैलेंस में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक ऑरेंज टाइप का कलर रखना है। वो कैसे रखना है वो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सेट करके दिखा देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये वाली सेटिंग आप लोगों ने रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने रेड को 100 पे रखना है, ग्रीन को -57 पे और ब्लू को -69 पे। ये सेटिंग आप लोगों ने ध्यान से लिख लेनी है वरना ये वाला कलर नहीं बन पाएगा आपसे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप मैं टेक पे क्लिक करने लगा। अब आप लोगों ने करना कि इसकी कैमटी ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में है, फिल एंड स्ट्रोक में है, और इसकी चार पे ही विथ रखनी है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। फिर एफ एक्स में है, बेबल में है, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, एंगल 180, पहला कलर वाइट ही रखना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना और 45 पे, फिर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना और यहाँ पे 135 पे, फिर टू लाइंस पे आना है, कर्व्स पे आना है, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है, इसको सबसे ऊपर कर देना है। एफ एक्स में आना है और यहाँ पे शेडो एक दफ़ा लगा देनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा ग्लास वन रेडी है। आप लोगों ने यहाँ पर PNG ऐड करने हैं। वो कैसे ऐड करने हैं, आप लोगों ने पिक्चर वाले फोल्डर में आने जिसमें आप लोगों ने रखे होंगे, ठीक है। लाइट का भी मैं आप लोगों को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस वजह से मैं फिर आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। जो मेरे ओल्ड मतलब सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर व्यूअर्स आते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो ठीक तरह से ये नहीं लगा पाते, जो मतलब मेरी रेगुलर डेली की बेस पे बहुत अरसे से वीडियोज़ देख रहे हैं उनको तो इस चीज़ का बहुत ही आइडिया हो गया होगा। वो तो मास्टर हैं इस चीज़ का, ठीक है। वो तो बड़ी आसानी के साथ चीज़ें लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद यहाँ पे कुछ और PNG है, वो भी मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। और एक ये वाला PNG यहाँ पे इसको लगाते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर, उसको मैं ऊपर लगाया और इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक इसके बीच में हार्ट लगाना है, वो कहाँ से लेना है वो भी मेरे पास ही है, ठीक है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये जो PNG होते हैं ना, इस इनको लगाने से भाई जो नेम की डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत परफेक्ट तरीके से बन जाती है। यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे मिडल में आप लोगों ने रखना है। ये दो हैं, इसको क्रॉप भी आप कर सकते हैं, वन इसको बना सकते हैं। अब आप लोगों ने लाइट लगाना है, बाकी PNG आप खुद लगा लीजिएगा। तरीका मैं मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि सब मैं लगा के आप लोगों को दिखाऊँगा तो यार वीडियोज़ लंबी हो जाती है। ये लाइट ले ली, चाहे वाइट लाइट हो या येलो लाइट हो, लगाने का तरीका मैथड एक ही है। आप लोगों ने इसको साइड पे लगा लेना है और सारे वार्ड में इसको लगा देना। तो यहाँ पर आप लोगों का ग्लास वन रेडी है। इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।